हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बायोलॉजी क्लास में हम टॉपिक होगा चयन सिलेक्शन की बात करेंगे। सिलेक्शन क्या है ध्यान देंगे, क्योंकि आपका पहला जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो पादप प्रजनन क्रियाएं थी। पादप प्रजनन क्रियाएं अर्थात नई पादप किस्म का विकास कैसे किया जाता है, उसके कुछ बिंदु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, उनको ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक की तरफ आप ध्यान देंगे। नई पादप किस्म का विकास कैसे किया जाता है, उसमें पहला बिंदु था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना, जिसके बिंदु थे संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता, ग्रामीण, पादप प्रतिस्थापन, जर्म प्लाज्म, जिसका अध्ययन आप कर चुके हैं। यानी इससे पहले जो भी आपने पढ़ा, यानी आप एक प्रकार से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने वाले बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया, कि उसके जो भी आरेख बनाए वो केवल हम आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने वाले बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद में दूसरा बिंदु है चयन है, जो अब चलने जा रहा है। उसके बाद में मूल्यांकन, संकरण आदि बिंदु हैं, तो उसी का बिंदु होगा पादप प्रजनन क्रियाओं का दूसरा बिंदु है चयन, कि सिलेक्शन क्या है। चयन की बात करेंगे, चयन सिलेक्शन क्या है। किसी समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों का छांटना तथा उनसे अगली पीढ़ी उगाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। एक प्राकृतिक चयन होता है, इस प्रकृति के अंदर जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनको सहन कर पाते हैं, वही पनप पाते हैं, जिसे एक प्रकार से प्राकृतिक चयन बोलते हैं। और जो अनुपयुक्त जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको सहन नहीं कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसे प्राकृतिक चयन बोलते हैं। और जो जिनका चयन मानव के द्वारा किया जाता है उसे कृत्रिम चयन बोलते हैं। तो सिलेक्शन क्या है, चयन के बारे में आप समझ चुके होंगे, कि किसी समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों को छांटना तथा उससे अगली पीढ़ी उगाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। चयन के दो प्रकार हैं, एक समूह चयन, एक शुद्ध वंशक्रम चयन। समूह चयन क्या होता है, कि किसी समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटना तथा उसके बाद उनके बीजों को मिलाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, समूह चयन कहलाता है। ध्यान रहे उसे क्या बोलेंगे, समूह चयन। समूह चयन को एक आरेख के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक नई किस्म या उत्कृष्ट जो किस्म है उसका विकास किस प्रकार से होगा सिलेक्शन मेथड के द्वारा, तो हम बात यहाँ करेंगे। यानी प्रथम वर्ष है और ये है छठा वर्ष। प्रथम वर्ष की बात करेंगे तो पहला वर्ष है। देखिए पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष विविधतापूर्ण समष्टि में से एक समान लक्षण प्रारूप वाले 200 से 1000 उन्नत पौधों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। कि जो भी विविधतापूर्ण समष्टि होती है उस विविधतापूर्ण समष्टि में से 200 से 1000 उन्नत पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। ये पहले वर्ष की बात है। उसके बाद में चयन रोग रोधिता तथा उन्नत लक्षणों के लिए किया जाता है, कि जो चयन का कारण है चयन औज, यानी एक प्रकार से श्रेष्ठ, यानी जिसे क्षमतापूर्ण, रोग रोधिता तथा अन्य उन्नत लक्षणों के लिए किया जाता है। उसके बाद में चयनित पौधों के बीजों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है, कि एक प्रकार से समूह चयन कहलाता है। कि इसके अंदर कोई भी समष्टि, पहले वर्ष में क्या करते हैं कि कोई भी समष्टि है उस समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे होते हैं उनका छांट लेते हैं, चयन कर लेते हैं। उसके बाद में जो चयनित पौधे हैं उनके बीजों को एक साथ क्या कर लिया जाता है, बीजों को मिला लिया जाता है। ये पहले वर्ष की बात है। उसके बाद में ये आपको चिन्ह बताए थे, पहले भी इस प्रकार के यदि चिन्ह आता है उसके लिए आपको एक ही बात बताई थी,
कि उसका मतलब यदि इस प्रकार का चिन्ह आ जाए तो प्रारंभिक उपज परीक्षण को दर्शाता है। तो यदि इस प्रकार का चिन्ह आता है जो किसको बताएगा, प्रारंभिक उपज परीक्षण को। तो दूसरे वर्ष की यदि बात करें तो दूसरे वर्ष के अंदर मिश्रित बीज का प्रचलित किस्मों के साथ प्रारंभिक उपज परीक्षण करना। जो मिश्रित बीज हैं, जो पहले वर्ष में देखा था कि बीजों को एक साथ मिलाया था, तो दूसरे वर्ष में क्या किया जाता है कि जो मिश्रित बीज हैं उनका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। तो ध्यान रखें कि ये चिन्ह आपको क्या बताता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण करना, जो आपको क्लास में बताया गया था। ध्यान रहे, ये प्रारंभिक उपज परीक्षण को बताता है। प्रचलित किस्मों का मानक के रूप में उपयोग करना, उसके बाद में चयन से प्राप्त समष्टियों का सूक्ष्म मूल्यांकन करना, कि चयन से प्राप्त जो समष्टियाँ हैं उनका क्या किया जाता है, सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसकी उपज है, रोग रोधिता है, गुणवत्ता है आदि का सूक्ष्म क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ये कौन से वर्ष की बात है, दूसरे वर्ष की बात। तो ध्यान रहे, इसके बाद में तीसरे वर्ष से पाँचवें वर्ष याद रखें, जैसे 3, 4, 5 उत्कृष्ट समष्टियों का समन्वित उपज परीक्षण करना। याद रखें कि आपको पहले बताया गया था इस प्रकार का चिन्ह आता है, जो ये चिन्ह है ये किसको बताता है, समन्वित उपज परीक्षण को बताता है। तो जो भी उत्कृष्ट समष्टियाँ उनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें कि जो विमोचित किस्म के बीज का गुणन और वितरण करना, कि अंत जो छठे वर्ष की बात करें कि विमोचित किस्म के बीज हैं उनका क्या किया जाता है, गुणन तथा वितरण किया जाता है। कि अंत में उसका क्या, गुणन का मतलब क्या होता है, उसकी संख्या को बढ़ाना, और वितरण का मतलब उन्हें किसानों तक पहुंचा दिया जाता है, उन्हें बांट दिया जाता है, तो एक प्रकार से क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। तो समूह चयन क्या है, आप समझ चुके होंगे कि समूह चयन के अंदर किसी समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वालों पौधों का चयन किया जाता है, उसके बाद में उनके बीजों को एक साथ मिलाना एक प्रकार से क्या कहलाएगा, चयन कहलाएगा। इसके आरेख के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले किसी समष्टि में से पौधे उनका चयन करना, प्रारंभिक उपज परीक्षण करना, समन्वित उपज परीक्षण करना, और अंत में बीज का क्या किया जाएगा, गुणन और वितरण किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन है, चयन है। तो चयन के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो नई पादप किस्म का विकास किया जाता है उसका पहला बिंदु था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना, और उसी का जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, सिलेक्शन चयन है, और उसी चयन में जो अपना पहला बिंदु है समूह चयन। तो समूह चयन के अंदर कि जो पौधे हैं किसी समष्टि में से उनको छांट लेंगे, छांटने के बाद उनके बीजों को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, और इस क्रिया के लिए यानी कम से कम एक 5 से 6 वर्ष का क्या लगेगा, समय लगेगा, कि इसके अंदर किसी समष्टि में से चयन करेंगे और उसके बाद में उसका प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद में उसका क्या करेंगे, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, और अंत में क्या कर दिया जाता है, बीज का गुणन तथा वितरण किया जाता है। तो ये था अपना समूह चयन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।